एक समय की बात है, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में बैठे हुए थे। तभी माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा, स्वामी मेरे मन में तीन प्रश्न उठ रहे हैं, आपकी आज्ञा हो तो आपसे पूछूं। भगवान विष्णु ने कहा, हे महादेवी, आपके मन में कौन से प्रश्न उठ रहे हैं, निसंकोच होकर पूछो। फिर माता लक्ष्मी ने कहा, स्वामी मेरा पहला प्रश्न है, आखिर क्यों गाय माता ने स्त्रियों को श्राप दिया था? और मेरा दूसरा प्रश्न है, एक मनुष्य को वह कौन सी चीजें हैं जिसे गाय को खिलाने से पाप और पुण्य मिलता है? और मेरा तीसरा प्रश्न है, गाय एक पवित्र पशु होने के बावजूद भी क्यों उसे झूठा अन्न खाना पड़ता है? फिर भगवान विष्णु ने कहा, हे महादेवी, आपने समस्त मानव जाति के कल्याण हेतु अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं। गाय को माता के समान पूजनीय माना जाता है और गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। यह पशुओं में सबसे पवित्र पशु है, जिसकी उत्पत्ति समुद्र मंथन के समय आपके साथ हुई थी। जिस घर में गाय की पूजा और सेवा की जाती है, उस घर में अन्न धन का हमेशा भंडार भरा रहता है। हे महादेवी, मैं आपके तीनों प्रश्नों के उत्तर एक पवित्र कथा के माध्यम से देने वाला हूँ। जो भी मनुष्य इस महान कथा को ध्यान से और पूरी सुनेगा, उसका घर हमेशा धन धान्य से भरा रहेगा और उसके घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा और मृत्यु के बाद उस व्यक्ति को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी। फिर माता लक्ष्मी कहने लगी, हे स्वामी, मैं इस पवित्र कथा को ध्यान लगाकर पूरी अवश्य सुनूंगी, कृपया आप इस कथा को सुनाना प्रारंभ कीजिए। फिर भगवान विष्णु ने कहा, हे महादेवी, एक समय की बात है, अमरावती में एक किसान रहता था जिसका नाम गोपाल था और उसकी गाय का नाम नंदिनी था। गोपाल रोज अपनी गाय को चराने के लिए खेतों में ले जाता और रोजाना उसकी खूब सेवा करता था। नंदिनी भी अपने मालिक गोपाल से बहुत अधिक लगाव रखती थी। उसका एक बछड़ा भी था जो हमेशा उसके साथ रहता था। वे दोनों एक दूसरे से प्रेम पूर्वक व्यवहार करते थे। इसी तरह कई वर्षों तक गोपाल अपनी गाय नंदिनी की सेवा करता रहा और नंदिनी भी उसे बहुत सारा दूध देकर गोपाल और उसके परिवार का पालन पोषण करती रही। गोपाल गाय के दूध को बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। फिर कुछ दिनों के बाद गोपाल का विवाह उस गांव के एक किसान की बेटी सीता से हुआ। सीता दिखने में तो सुंदर थी, लेकिन वह एक लालची और क्रूर स्वभाव की स्त्री थी। जिस दिन वह विवाह करके गोपाल के घर आई, तभी से वह गोपाल को अपनी मांगे पूरी करवाने के लिए तंग किया करती थी। हमेशा उसे भला बुरा और अपशब्द बोलती थी। वह हर दिन सुबह देर से जागती तथा देर से भोजन बनाती और बचा हुआ बासी भोजन गाय को खिलाती थी। फिर भगवान विष्णु ने कहा, हे महादेवी, फिर एक दिन सीता ने स्वयं के लिए कुछ गहने खरीदने के लिए गोपाल को मना लिया और कहा कि सुनते हो, हमारी गाय का जो बछड़ा है उसे हम बेच देते हैं, वैसे भी हमें उसकी कोई जरूरत नहीं है। तब गोपाल ने मना किया तो वह गोपाल के साथ जोर से झगड़ा करने लगी, जिससे बेचारा गोपाल उसकी जिद के आगे हताश होकर ना चाहते हुए भी गाय के बछड़े को बेच दिया। इस कारण से नंदिनी गाय और गोपाल दोनों बहुत दुखी होकर एक दूसरे को देखते ही रह गए। फिर कुछ दिन बीतने के बाद गोपाल की गाय ने दूध देना बंद कर दिया तो सीता ने उसे घर से बाहर निकाल दिया और घर न आने के लिए बहुत से अपशब्दों का प्रयोग किया। फिर भगवान विष्णु ने कहा, हे महादेवी, गाय एक बेजुबान पशु अवश्य है, किंतु वह मनुष्य के हाव भाव को अच्छी तरह से समझती है। और वह वहां से चली गई। नंदिनी अपना जीवन गांव के पास वाले जंगल में व्यतीत करने लगी। फिर कुछ समय बीतने के बाद गाय गर्भवती हो गई और वह अपना जीवन उस जंगल में रहकर जीने लगी। कुछ महीने बीतने के बाद गोपाल की गाय नंदिनी ने यह सोचा कि जब मुझे बच्चा हो जाएगा तो गोपाल और उसकी पत्नी सीता शायद फिर से मुझे अपने घर वापस ले जाएंगे। इसलिए उसने दूसरे बछड़े को गोपाल के खेत में जाकर जन्म दिया। तब अगले दिन सीता जब खेत में आई तो उसने देखा कि नंदिनी गाय ने उन्हीं के खेत में एक बछड़े को जन्म दिया है। तब सीता के मन में फिर से बुरा ख्याल आया कि अब मैं इसके बछड़े को बेचकर और धन कमाऊंगी और दूध से हमारा परिवार सुखपूर्वक जीवन यापन करेगा। ऐसा वह सोच रही थी और इधर नंदिनी का नवजात शिशु, जिसका अभी अभी जन्म हुआ था, मां के रक्त से भरा हुआ जमीन पर रेंगने लगा, जिस कारण से उसके शरीर ऊपर कंकड़ों के कारण छोटे छोटे घाव होने लगे थे। अपने नवजात शिशु की ऐसी हालत पर नंदिनी गाय को बहुत दया आई
और तड़पती हुई अपने बच्चे की ओर देखने लगी, क्योंकि वह कुछ भी नहीं कर सकती थी। लेकिन जब उसने सीता को उसकी ओर आते हुए देखा तो उससे करुण स्वर में कहने लगी, हे देवी, कृपा करके आप मेरे नवजात शिशु को इस पीड़ा से मुक्त करें। इसके नाजुक शरीर को जमीन पर कंकड़ चुभने के कारण इसे कष्ट हो रहा है। फिर जब सीता ने गाय के बछड़े की ओर देखा तो वह अत्यंत दुर्गंध युक्त रक्त में पड़ा रेंगता हुआ अपनी मां की तरफ बढ़ रहा था। तब सीता को उस गाय के शिशु की ऐसी हालत देखकर उस पर दया आने की जगह घिन आने लगी और उसने गाय के बच्चे को न उठाते हुए कहा, भला मैं तुम्हारे ऐसे गंदे बछड़े को क्यों छू लूं? फिर भगवान विष्णु ने कहा, हे महादेवी, वह गाय सीता से बहुत याचना करने लगी, रोते हुए और गिड़गिड़ाते हुए अंतर्मन से उससे विनती करने लगी, किंतु सीता ने क्रूर स्वभाव के कारण उसने गाय के बछड़े को छुआ तक नहीं और वह वहां से दूर चली गई। गाय बार बार उससे विनती करती रही किंतु सीता ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। तब गाय ने भगवान से प्रार्थना करते हुए गुहार लगाई और कहने लगी, हे प्रभु, आप क्यों मेरे निर्दोष और निष्पाप बछड़े को ऐसी प्राण घातक सजा दे रहे हैं? आखिर हम पशुओं ने ऐसा कौन सा महापाप किया है जिस कारण से हमें अपने ही बच्चों को ऐसे तड़पते हुए देखना पड़ता है? गाय की ऐसी करुण पुकार सुनकर स्वयं श्री कृष्ण वहां पर प्रकट हुए और उन्होंने गाय सहित समस्त पशुओं को आशीर्वाद दिया कि उनके बच्चे जन्म लेने के तुरंत बाद ही चलने लगेंगे, जिस कारण से वे उनकी माँ के आसपास ही रह सकेंगे। फिर भगवान विष्णु ने कहा, हे महादेवी, श्री कृष्ण आशीर्वाद देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। परंतु थोड़ी ही देर बाद जब सीता वापस उस गाय के पास उसे देखने के लिए आई तो उसे उसकी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। गाय का बच्चा खुद से खड़ा था, तो सीता ने गाय के बच्चे को हल्का सा धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। जब गाय ने सीता की इस घिनौनी हरकत को देखा तो उसे बड़ा ही क्रोध आया और उसने समस्त देवी देवताओं, अग्नि, वायु, आकाश, जल और वृक्षों को साक्षी मानती हुई सीता को श्राप दिया और कहा, हे दुष्ट स्त्री, आज तुमने अपनी क्रूरता की सभी हदें पार कर दी। मैं आज समस्त संसार को साक्षी मानते हुए तुम्हें और समस्त मानव जाति को यह श्राप देती हूं कि जब भी तुम्हारा बच्चा पैदा हो सा तो उसे चलने के लिए सहारे की जरूरत पड़ेगी और तुम्हारे बच्चों को चलने के लिए एक वर्ष तक का समय लगेगा। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे महादेवी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया। उसी नंदिनी गाय के श्राप के कारण आज मनुष्य के बच्चों को चलने के लिए सहारे की जरूरत पड़ती है। वह ठीक से चलने के लिए मनुष्य के शिशु को वर्ष तक का समय लगता है। सतयुग में मनुष्य के बच्चे जन्म लेने के तुरंत बाद ही चलते थे। हे महादेवी, जब सीता अपने घर संध्या समय वापस आ रही थी तभी उस गाय के श्राप के कारण तूफान वर्षा होने लगी और तेज बिजलियां कड़कने लगी। तब तेज वर्षा के कारण सीता एक पेड़ के नीचे छुप गई, किंतु नियति ने उस पेड़ पर बिजली गिरा दी, जिस कारण से सीता की मृत्यु हो गई। सीता की आत्मा को लेकर यमदूत धर्मराज के दरबार में उपस्थित हुए। फिर चित्रगुप्त ने उस स्त्री का लेखा जोखा देखा तो देखकर हैरान हो गए। यमराज ने सीता के गुनाहों को जानना चाहा तो चित्रगुप्त बोले, महाराज, इस स्त्री ने अपने पति का कभी आदर सत्कार नहीं किया। हमेशा देर से उठना और निर्वस्त्र स्नान करना तथा इस स्त्री ने अपने पूरे जीवन में कभी भी पूजा पाठ नहीं किया। इसने इसके जीवन में पाप ही पाप किए हैं और इसने सबसे बड़ा महापाप तो यह किया है कि गाय को हर रोज झूठा, बासी और सड़ा हुआ अन्न खिलाया जो कीड़े मकोड़े न खा सके। साथ ही एक गाय के नवजात शिशु की मदद तक नहीं की। फिर धर्मराज ने कहा, इस स्त्री को कुंभी पाक नरक में डाल दिया जाए और उसके बाद इसे जहरीली वैतरणी नदी में डाल दिया जाए और इस स्त्री को 16 नरकों की सजा दी जाए। फिर भगवान विष्णु ने कहा, हे महादेवी, यमदूत उस स्त्री को नरक में डाल देते हैं और उसकी आत्मा को बहुत पीड़ा देते हैं। यह सिलसिला कई वर्षों तक चलता रहा। फिर जब उसकी सारी सजाएं पूरी हो गई तो फिर धर्मराज ने उस स्त्री को, गाय को, हमेशा झूठा और सड़ा हुआ अन्न खिलाने के कारण उसे सुअर की योनि में डाल दिया। फिर वह हमेशा कीचड़ में रहती और दुर्गंध युक्त पदार्थ खाती। फिर भगवान विष्णु कहते हैं, हे महादेवी, जो भी स्त्री या पुरुष गाय को झूठा और सड़ा हुआ अन्न खिलाते हैं
उन्हें नरक में जाना पड़ता है और कई प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। हे महादेवी, अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर क्यों गाय को झूठा अन्न खाना पड़ता है। यह बात सतयुग की है, जब शिवजी और देवी पार्वती समुद्र के किनारे घूमने गए तो शिवजी के मन में देवी पार्वती की परीक्षा लेने की सूझी। उन्होंने देवी पार्वती से कहा, हे देवी, मुझे अचानक आवश्यक काम से जाना पड़ रहा है, मैं कार्य पूरा करके अभी आता हूं, तब तक आप मेरी यहीं प्रतीक्षा करना। तब शिव जी की बात मानकर देवी पार्वती अकेली ही तट पर बैठकर उनकी प्रतीक्षा करने लगी। इस तरह से शाम हो गई और उस दिन महाशिवरात्रि थी, जब देर रात तक शिवजी नहीं लौटे तो माता पार्वती ने तट पर रेत के शिवलिंग का निर्माण किया और आसपास उपलब्ध पूजन सामग्री से रात भर शिवजी का निर्जला निराहार व्रत संपूर्ण किया। शिवजी सूक्ष्म रूप में वहीं उपस्थित थे और हर गतिविधि के साक्षी थे। सुबह होने पर देवी पार्वती ने समुद्र में रेत के शिवलिंग और पूजन सामग्री का विसर्जन कर दिया। इसके थोड़ी ही देर बाद शिवजी वहां प्रकट हो गए और कहने लगे, हे देवी, कल शिवरात्रि थी पर आपने मेरी पूजा नहीं की। देवी पार्वती ने कहा, स्वामी, मैंने आपकी पूजा की और अभी अभी पूजन सामग्री समुद्र में विसर्जित की है। फिर शिवजी ने कहा, मुझे तो पूजा का कोई चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा है, अगर आपने पूजा की है तो प्रमाण दीजिए। फिर देवी पार्वती भी समझ चुकी थी कि भगवान शिव उन्हें जानबूझकर सता रहे हैं, क्योंकि जो जगत की हर घटना का साक्षी है उन्हें प्रमाण की क्या आवश्यकता है। फिर देवी पार्वती ने कहा, स्वामी, यह गाय इस बात की साक्षी है, जब मैं पूजा कर रही थी तो यह गाय यहां उपस्थित थी। शिवजी ने गाय से पूछा, क्या देवी पार्वती ने उनकी पूजा की? तो उस गाय ने ना में सिर हिला दिया। शिवजी ने कहा, देवी, आप झूठ बोल रही हैं, गाय ने आपकी गवाही नहीं दी। शिवजी के सामने स्वयं को झूठा साबित होता देख देवी पार्वती यह सहन नहीं कर पाई और क्रोध में आकर उन्होंने उसी वक्त गाय को श्राप दे दिया। देवी पार्वती ने श्राप देते हुए कहा कि तुम्हारा जन्म जगत के कल्याण के लिए हुआ है, इसलिए जनहित के लिए तुम्हारे गुण यथावत रहेंगे, परंतु जिस मुंह से तुमने झूठी गवाही दी है उसे दंड भुगतना होगा। झूठ बोलने के कारण अब से झूठन ही तुम्हारा आहार होगा। इस तरह झूठ बोलने से गौ माता क्रोध की भागी बनी और आज तक उसकी संतान अच्छा भोजन प्राप्त होने के बावजूद भी झूठन खाने के लिए बाध्य है। फिर भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी पार्वती, अब मैं आपको गाय के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी देता हूं। अक्सर मनुष्य गाय से पुण्य पाने के लिए कई प्रकार के व्रत पूजा पाठ करते हैं, किंतु उन्हें गाय को ये कुछ चीजें भूलकर भी नहीं खिलानी चाहिए। द्वार पर आई हुई गौ माता को कभी भी बिना रोटी खिलाए जाने नहीं देना चाहिए। गौ माता को रोटी और ताजी हरी घास खिलानी चाहिए, जो कि हम हर दिन पहली रोटी गौ माता की बनाते हैं, इसीलिए हमेशा उस रोटी को प्यार से गौ माता को खिला दें। गौ माता को रोटी खिलाने से हमें बहुत पुण्य मिलता है। गौ माता को कभी भी बासी और सड़ा गला खाना नहीं खिलाना चाहिए। भूख लगने पर मजबूरी में गौ माता वह खाना खा तो लेती है, लेकिन इसका दुष्परिणाम पड़ता है, जिस कारण से हमारे घर में नकारात्मकता आती है। अगर किसी की कुंडली में कोई दोष है जिसके कारण उसे लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो गौ माता को रोटी खिलाते समय कुछ उपाय कर सकते हैं। जैसे यदि कुंडली में चंद्र दोष है तो आप रोटी पर सफेद मक्खन, नमक या घी लगाकर गौ माता को खिलाएं। यदि कुंडली में शनि दोष है तो रोटी बनाते समय आटे में थोड़े से काले तिल मिलाकर आटा गूंथ लें और उस आटे की ताजी रोटी बनाकर शनिवार या अमावस्या के दिन गौ माता को खिलाएं। इसी तरह मंगल या गुरु दोष हो तो रोटी के ऊपर हल्दी लगाकर गौ माता को खिलाएं। यह उपाय करने से इन सभी दोषों के दुष्प्रभाव से काफी हद तक अपना बचाव कर सकते हैं। गौ माता को प्रतिदिन रोटी और घास खिलाने से लाभ होता है और पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। इसी तरह कुंडली में यदि शनि की साढ़े साती या महादशा है तो हर शनिवार को और अमावस्या को काले रंग की गाय को घास और रोटी खिलाएं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल धर्म ज्ञान गंगा को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।